साहब वाहिगुरु जी की फतेह। ये साडा माता सुलक्ष्मी का जत्था जी जो भी आदमी ने इस करके क्योंकि बाबे के ब्याह से लगातार इक्की दिन कीर्तन करते हैं सुहाग घोड़ियाँ मिलती है सब कुछ महाराज जी झूरी च रहते गुरबाणी के अंदर ही करते हैं गुरबाणी के बाद करते साडे जत्थे का संयोग है साल भर कीर्तन कर रहे हैं शुक्रवार शुक्रवार पर हूँ असं लगातार माता सुलक्ष्मी के घरों सुल्तानपुर लोधी तो आ के उस तो बाद फिर असं आनंद रंग करा के सुल्तानपुर लोधी तो आके ही आरंभता करते हैं साडे आगू जिहड़े आ बीबी जतिंदर कौर भैण जी जतिंदर कौर उन्हां दी आग्या जी रह के जां ग्रंथी सिंह भाई जसविंदर सिंह जी जो भी सानू श्रोमणी कमेटी वालों विरासत मर्यादा तो बाद गुरबाणी का शब्द नहीं पढ़ते माता जी दी घोड़ियां सुहाग सारे आपके आप करते सानू बहुत खुशी होंगी क्योंकि साडे वीर जी जिहड़े तुहाडा वी धन्नवाद है जिहड़े धन्न नाल लैंदे हो क्योंकि साडी आवाज़ जिहड़ी है सारियां पिंडियां नूं पता लगदा वा कि बाबा जी का ब्याह वा सारे संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। हाँ सुपना साडी पूरी होई नहीं हर साल अहीं प्रसाद लिया के बाबा जी तेरे आईए इस तरह सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह गुरु नानक साहब के ब्याह पुरब में मनाते हुए जो ये दिहाड़ा आता है तो संगत बड़िया बेसरबी उड़ीक कर दी है इस दिहाड़े से बहुत ही खुशियां मना बड़े बड़े गर्मजोशी के नाल गुरपुरब जरा मनाया जाता है तो सारिया संगत जो हाजिर होंगे वक् तरह सेवा कर खुशियां लेंदियां ने और भी बेअंत लंगर जोड़े चलते उन्होंने सेवा करके खुशियां लेंदियां ने सर गुरु नानक साहब की अपनी कृपा जो आप ही संगत को सेवा लेंदे ने आपे संगत सद बिहार ले आपे विदा करावे दुआक अनुसार सो सतगुरु की अपनी लीला वरतदी है सो आप ही हाजिर नाजर में वरत के समूह जी है खुशियां हरेक नवाजते हैं तो संगत जी निहाल होंगी है जी ये गुरु नानक साहब कृपा है उन्होंने कृपा है जी मतलब ये गुरु नानक साहब ये माता सुलखन जी का जो निवास स्थान है जी तो ये वो स्थान है जिथे गुरु नानक साहब जी तो माता सुलखनी जी का जो लावा कहते हुए ने इस स्थान में इस करके बड़ी महत्ता है इस स्थान की और ये जी खूह है जिदे जल छकनिया ने संतान ने यह माता सुलखन जी के ग्रह विखे जो वो पुरातन इतिहासक खूह है जी जिदे संत जल छक के निहाल होंगी है जी। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध सिंह जी आप बड़िया भागा वाले हो जो धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन जगत माता सुलखनी जी इन्हों के ब्याह स्थान गुरुद्वारा डेरा साहब जी दे आप संगत दर्शन कर रही ने हर साल दे साल धन धन श्री गुरु नानक देव जी ते माता सुलखनी का जिहड़ा ब्याह पुरब है इस बटाले की धरती से गुरुद्वारा डेरा साहब विखे समूह साध संगत के संयोग नाल बड़ी श्रद्धा के भावना के नाल जिहड़ा मनाया जाता है। जो गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी बरात आई है सुल्तानपुर लोधी तो गुरु नानक पातशाह जी बरात आई है उन्होंने धक्का जिहड़ा गुरुद्वारा कंध साहब विखे किया गया जिहड़े आनंद कारज गुरु नानक पातशाह जी होए ने गुरुद्वारा डेरा साहब विखे होए ने इन्हों जिहड़े कि बेदी के नाल फेरे किए जाते सन उस समय गुरु नानक पातशाह ने बेदी के नाल फेरे करन तो इनकार कर दिता तो कहा कि असीं मतलब अपने रीति रिवाजों के नाल जिहड़े आनंद कारज करांगे फिर गुरु नानक पातशाह ने उस समय मूल मंत्र का पाठ उच्चारण करके इस जगह पर चार लावां लईआं इस तरह धन श्री गुरु नानक देव जी के जिहड़े आनंद कारज इस स्थान पर होए इत्थे पवित्र इतिहासक खूही है माता सुलखनी जी घर की गुरद्वारा थड़ा साहब जिते आनंद कारज होए ने गुरु नानक पातशाह माता सुलखनी जी के वह पवित्र इतिहासक जगह है पिछे बैक साइड की जो कंध है वह भी माता सुलखनी के घर की कंध है तो हर साल के साल धन श्री गुरु नानक देव जी का विआह पूर्व समूह साध संगत रल मिल के मनांदियां ने समूह साध संगत लख लख वधाइया जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।